Good morning, everyone. Continuing with our topic. According to Flip Kotler, a niche is a more narrowly defined group of customers, typically a small market whose needs are not being well served. जो भी आपका marketer है वो अपने लिए niche कैसे create करता है, वो normally उस सेगमेंट को चूज करता है, जो टारगेट मार्केट है उस सेगमेंट को चूज करेगा जहाँ पर जो लार्जर कंपनीज हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, और उस टारगेट मार्केट को, जो वो सेगमेंट है मार्केट का, उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं की गई हैं, और वो कस्टमर इवन हाई प्राइस जो है वो पे करने के लिए भी रेडी है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. तो जो स्मॉलर कंपनीज होती हैं नॉर्मली वो नीचे क्रिएट करती हैं, और स्मॉलर कंपनी नीचे क्रिएट करके अवॉइड करती हैं कंपीटिंग विद लार्जर कंपनीज, स्मॉल मार्केट्स को टारगेट करके जिसमें जो लार्जर कंपनीज हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता. तो जो नीचे मार्केटर है वो अंडरस्टैंड करता है नीचे की नीड्स, और उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, और इवन कस्टमर्स भी विलिंगली पे करते हैं प्रीमियम प्राइसेस. फॉर एग्जांपल फरारी जो है हाई प्राइस है कार, जो भी फरारी की होती है उसका, लेकिन जो उसके बायर्स होते हैं वो लॉयल हैं उस ब्रांड के लिए. तो जो प्रैक्टिस है नीचे मार्केटिंग की वो कॉमन है सर्विस सेक्टर में, सच एज ट्रांसपोर्ट एंड होटलिंग. फॉर एग्जाम्पल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कॉल टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो वो टारगेट करते हैं एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ पैसेंजर्स को, और जो उनका एम होता है वो होता है कि प्रोवाइड करवाएं सेफर कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रैवलिंग टू पैसेंजर्स. तो इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स होते हैं जो गुड क्वालिटी फूड प्रोवाइड करवाते हैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपने लिमिटेड नंबर ऑफ रेगुलर कस्टमर्स के लिए. तो जो फिलिप कोटलर है उसके अकॉर्डिंग एक नीचे जो मार्केटिंग है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जो कस्टमर्स होते हैं नीचे मार्केट के वो प्रिपेयर्ड होते हैं टू पे अ प्रीमियम प्राइस, एक्स्ट्रा प्राइस भी वो प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए रेडी होते हैं. जो कस्टमर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डिस्टिंक्ट सेट ऑफ नीड्स उनकी होती है, और वो इंटरेस्टेड होते हैं टू बी ट्रीटेड रॉयली. और नीचे मार्केटर गेन करता है इकोनॉमीज थ्रू स्पेशलाइजेशन, नीचे का जो प्रॉफिट और ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, और जो नीचे होता है वो कॉम्पिटिटर्स को अट्रैक्ट नहीं करता है. जो इम्पोर्टेंस है नीचे मार्केटिंग की वो ये है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके कॉम्पिटिटर्स आपको कम मिलेंगे, कस्टमर जो है वो ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं, तो जो कंपनी का लॉन्ग रन में जो उसका ग्रोथ पोटेंशियल है प्रॉफिट पोटेंशियल है वो हाई होता है, और जो कंपनीज हैं उसे इकोनॉमीज मिलती हैं थ्रू स्पेशलाइजेशन. तो मतलब जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम देखें तो कॉस्ट कम और बेनिफिट ज़्यादा जो है वो कंपनी गेन कर सकती है. फॉर एग्जांपल जॉनसन एंड जॉनसन ने डेवलप किए 170 बिजनेस सेंटर्स टू सर्व नीचे मार्केट्स. रामदा एंटरप्राइजेस ऑफर करती है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लॉजिंग्स फॉर नीचेस. सेम तरीके से अमेरिकन एक्सप्रेस ऑफर करता है वेराइटी ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे नीचे मार्केटिंग के. तो जो नीचर्स हैं उनके जब वो और नीचे क्रिएट करते हैं तो तीन स्टेप्स उनके पास होते हैं, वो क्या, पहले नीचे को क्रिएट करना, फिर एक्सपैंड करना, और फिर उसे प्रोटेक्ट करना. फॉर एग्जांपल जो नाइक है आपका जो स्पोर्ट्स शू कंपनी है वो कॉन्स्टेंटली क्रिएट करती है न्यू नीचेस बाय डिजाइनिंग न्यू शूज फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, जैसे एथलेटिक्स के लिए अलग, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, रेसलिंग, सब के लिए अलग अलग. और ये आफ्टर क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर पर्टिकुलर यूज जो नाइक है उसे एक्सपैंड करती है नीचे इसको सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट वर्जन्स बना के, सच एज इन केस ऑफ वॉकिंग शूज स्पेशलाइज फॉर दोज हु वॉक फास्ट वर्सेज वॉक स्लो. तो जो स्लो वॉक करते हैं उनके लिए डिफरेंट डिजाइन उसने प्रिपेयर कर लिया, और जो फास्ट वॉक करते हैं उसके लिए डिफरेंट डिजाइन उसने प्रिपेयर कर लिया. और ये जो स्ट्रेटजी है नीचे मार्केटिंग की ये हेल्पफुल है मॉडर्न मार्केटिंग में. तो इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 मार्केट सेगमेंटेशन वो कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.